अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, IMF ने 10 जुलाई तक बिजली की पर यूनिट कीमत में 5 रुपये मज़ीद इजाफे के लिए कहा है, ताकि फिर ये 8 से 10 अरब डॉलर का पैकेज जो है ये इनको पाकिस्तानी हुकूमत को मिल सके। और अभी वाजिर गैस की कीमतों में जो कैप्टिव पावर प्लांट हैं, जो फैक्ट्रीज इस्तेमाल करती हैं अपना प्रोडक्शन करने के लिए, उसमें अभी इजाफा किया है 250 रुपये पर MMBTU का। और इसके साथ ही अब ये इजाफा तमाम तबकात के लिए जो है वो होगा। इसके बाद एक और महंगाई का सैलाब और एक और जो है वो आप देखेंगे कि किस तरीके से बाकी इकॉनमी के सूरत हाल जो होगी वो कैसे ख़राब होती है। तो अल्लाह बचाए इस IMF की कंडीशन से। IMF ने पहले भी ये कहा कि एहतजाज तो हमें कहीं से देखने को नहीं मिला। जब हुकूमत ने कहा कि लोग जो है इससे एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे, तो IMF का कड़ा जवाब था कि उनको तो नज़र नहीं आया। बाकी अल्लाह हमारे हालों पे जो है वो रहम फरमाए, अल्लाह बेहतर करे कि क्या ये जो है वो मौजूदा सिचुएशन हमें कहाँ लेके जाती है, पाकिस्तान का क्या करती है। अल्लाह ताला हमारे रहम फरमाए हमारे हाल पर।